प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे प्रखर कार्यपुस्तिका गणित कक्षा 8 के अंतर्गत कार्यपत्रक 25। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 25 दक्षता कोण मापन एवं कोण बनाने की समझ बना पाना। तो विद्यार्थियों, हम कोण के बारे में जानेंगे, कोण का मापना और कोण को बनाना सीखेंगे। सवाल नंबर एक, नीचे दिए गए कोणों को चांदे से नाप कर लिखिए। इन कोणों को हमें चांदे से मापना है। पहला वाला, इस कोण को मापेंगे चांदे की सहायता से, इस कोण को मापेंगे। तो ये देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो ये कोण है 60 डिग्री। दूसरा, इस कोण को मापेंगे। तो विद्यार्थी देखिए, ये कोण 0 से 180 डिग्री, तो ये है 180 डिग्री। अगला, तीसरा, इस कोण को मापेंगे। तो विद्यार्थियों, इधर 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, तो ये कोण है 130 डिग्री। अगला, चौथा, इस कोण को मापेंगे। देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 50 और 60 के बीच में, यानी पिचपन कितने डिग्री है, 55 डिग्री। अगला, पांचवा, इस कोण को मापेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, तो ये कोण है 90 डिग्री। छठा, ये वाला कोण, इसको नापेंगे तो 0 से 180, तो ये है 180 डिग्री। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम चांदी की सहायता से कोण नापते हैं। विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर दो, नीचे दिए गए कोणों को चांदे की सहायता से बनाइए। इन कोणों को हमें चांदे की सहायता से बनाना है। पहला है 45 डिग्री। तो पहले हम स्केल से एक रेखा खींचेंगे। और हम यहाँ पे कोण बनाएंगे 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमें चांदा इस प्रकार से व्यवस्थित करना है। 0, 0 से गिनेंगे 10, 20, 30, 40, 40 और 50 के बीच में, ये 45 डिग्री। इसको हम इससे मिला देंगे। बिल्कुल हम पूरा ध्यान रखते हुए, तो ये वाला कोण जो बना, ये बना 45 डिग्री। अब हमें बनाना है 65 डिग्री। वापस हम लाइन खींचेंगे इस प्रकार से, एक किरण इस प्रकार से खींचेंगे। और अब हमें यहाँ 65 डिग्री का कोण बनाना है। तो चांदा हम इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 और 70 के बीच में, 61, 62, 63, 64, 65, यानी हम इसको इसे मिला देंगे। पूरा ध्यान रखते हुए हम इसको मिलाएंगे। ये वाला जो कोण बना, ये बना 65 डिग्री। अगला हमें बनाना है 90 डिग्री।
तो हम इस प्रकार से किरण खींचेंगे, अब हम यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, चांदा व्यवस्थित रखेंगे, अब हम 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये रहा 90, अब हम इसको इस प्रकार से मिला देंगे, ये जो कोण बना ये बना 90 डिग्री। अगला है चौथा 70 डिग्री, अब हमें यहाँ 70 डिग्री का कोण बनाना है, तो हम यहाँ पे एक किरण खींचेंगे, और यहाँ पे हम कोण बनाएंगे, चांदा व्यवस्थित रखेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, यहाँ ये बिंदु लगाएंगे, इस बिंदु को हम इससे मिलाएंगे, हम थोड़ा सा ही खींच लेंगे इस प्रकार से, ये जो कोण बना तो विद्यार्थियों ये बना 70 डिग्री। अगला है पांचवा 155 डिग्री, अब हमें 155 डिग्री का कोण बनाना है, अब हम यहाँ किरण खींचेंगे और यहाँ पे हम कोण बनाएंगे, चांदे को व्यवस्थित करेंगे, चांदे में जहाँ कोण बना रहे वो यहाँ आना चाहिए, और ये लाइन किरण इसके ऊपर जीरो वाले के ऊपर आनी चाहिए। अब हमें 155 डिग्री का बनाना है, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 और 160 के बीच में, 150 के बाद 151, 152, 153, 154, 155 यह बिंदु लगा देंगे, और इस बिंदु को हम यहाँ से मिला देंगे, ये इस प्रकार से जो कोण बनेगा वो 155 डिग्री का। अगला है छठा 145 डिग्री, अब हमें 145 डिग्री का कोण बनाना है, तो हम किरण खींचेंगे अब हम चांदे को व्यवस्थित करेंगे, अब हमें 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 140 और 150 के बीच में, 140 से 141, 142, 143, 144, 145 यहाँ आ रहा है 145, इस बिंदु को हम यहाँ से मिला देंगे, ये वाला जो कोण बना 145 डिग्री। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हम कोण बनाने का अभ्यास कर सकते हैं, हम कोण बिल्कुल सरल तरीके से समझते हुए बना सकते हैं। तो विद्यार्थियों आप भी कोण मापने और कोण बनाने का अभ्यास करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे, थैंक यू।